दरगाह के अड्डे को ताला मार के और उसके आदमी को बंद करने की हिम्मत तूने कैसे की बच्चे? ये ज्वाला साहब का हुक्म था कारगा, चला जाए यहां से। अगर ज्वाला साहब को पता चला कि तू पुलिस स्टेशन आया था तो तुझे भी उठाकर बंद कर देंगे। क्यों मजाक कर रहा है बच्चे? मजाक कभी कभी अच्छा लगता है, हर वक्त नहीं। ज्वाला जैसे कितने आए और कितने गए, मेरे आदमी को ले जा और मेरे अड्डे पे जाके छोड़ दे, वहां तुझे बिल्ला मिलेगा, उससे अपना हफ्ता ले लेना। समझ गया ना बच्चे? चल छोड़ा उसे। एक बात कान खोलकर सुन ले कारगा, ना तो तेरा आदमी छूटेगा और ना ही तेरे अड्डे का ताला खुलेगा, समझे? तो ठीक है, जब तक मेरा अड्डा नहीं खुलेगा कारगा इसी पुलिस स्टेशन में बैठ के शराब पिएगा। कारगा किसी मंत्री से कम नहीं है, फोन करके आता फिर मिलता। उस इंस्पेक्टर ने भेजा होगा तुझे, आने से पहले पूछ तो लिया होता कि कारगा के तमाचे में कितना दम है। वर्दी को खेल और कानून को रखेल समझने वालों को ज्वाला मारता नहीं, मार देता है। तुम जानते हो तुमने कारगा को मारकर कितनी शर्मनाक हरकत की है? मैंने कोई शर्मनाक हरकत नहीं किया सर। कारगा ने पुलिस स्टेशन में घुसकर हमारे एक ऑफिसर को तमाचा मारा था। तो फिर तुम में और कारगा में फर्क क्या हुआ? फर्क होना भी नहीं चाहिए सर। हम पुलिस वालों को मौत से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, कारगा जैसे खतरनाक मुजरिमों से निपटने के लिए। मैं कोई सफाई देना नहीं चाहता सर। मैं कारगा को मारने की प्लानिंग से गया था और उसे मार दिया। ज्वाला सिंह, इस हरकत के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड भी कर सकता हूं। आप तकलीफ मत उठाइए सर, ऐसे माहौल में मैं खुद नहीं काम करना चाहता। मैं रिजाइन करता हूं और यह सब आपकी मर्जी के मुताबिक चलने वाले किसी ऑफिसर को दे दीजिएगा, ताकि वो कारगा जैसे लोगों के तमाचे खा सके और यह साबित कर सके कि पुलिस बुस्तिल है, डरपोक है। उसके बाद में डिपार्टमेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ। ज्वाला सिंह को बुलाने की बहुत कोशिश की गई मगर ज्वाला सिंह लौट कर नहीं आया। कहां है वो आजकल? सर आप हमारे घर में? हाँ ज्वाला, मुझे खुशी हुई तुमने वर्दी तो उतार दी,
लेकिन आज भी एक ऑफिसर तुम्हारे अंदर जिंदा है। मैं आज उसी ऑफिसर से मिलने आया हूँ। लेकिन उस ऑफिसर ने किसी से मिलना जुलना छोड़ दिया है। ये कानून की इज्जत का सवाल है, प्लीज। कानून के इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि आज उसे पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ ज्वाला, बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमारी सारी उम्मीदें तुमसे लगी हुई हैं। सर, मैं बंदिशों में काम नहीं कर सकता और ना ही कानून के दबाव में आकर मैं अपने काम करने के ढंग में कोई भी परिवर्तन लाऊंगा। ज्वाला, हमें रंगाराव चाहिए, सिर्फ रंगाराव। उसे गिरफ्तार करने के लिए तो मैं तुम्हें पूरी आजादी दूंगा। सर, मुझे पूरा यकीन है कि कानून और मेरी नहीं बनेगी। अब मेरा और अपना दोनों का वक्त पर बात करते हैं। I'm sorry। फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं ज्वाला, ये रहा वो कैसेट जिसमें तुम्हें रंगाराव की हैवानियत साफ नजर आएगी। इसे देख जरूर लेना, शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। किसी भी फैसले के लिए बहादुर इतना सोचा नहीं करते। और मैं जानती हूँ आज भी तुम्हें कानून उतना ही प्यारा है जितना पहले था। तुम्हारी रगों में फर्ज और ईमानदारी का ज्वालामुखी भरा हुआ है। और जिस देश में तुम जैसे जाबाज मौजूद हो उस देश में रंगराव जैसे खतरनाक मुजरिम सांस ले रहे। तो इतना याद रखना, उनके इस जुर्म में तुम भी बराबर के शरीक हो। रंगाराव, मैं आ रहा हूं।